स्वागत है। मैं स्मिता, पेश करते हैं एक रिपोर्ट। मेजर प्रभुलाल बत्रा खुद फौज के होने के अलावा भी नेचुरोपैथी हेम्योपैथी का कोर्स किया हुआ है और साथ ही हर्बल लाइफ का सुपरवाइजर भी रह चुका हूँ। मेरी एज 82 इयर्स है। कोरोना के बचाव के लिए जो डॉक्टर कह रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है वो बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंस एंड मास्क पहनना, मैंने मास्क नहीं पहना, मास्क मेरे हाथ में है। जैसे मैं मोटे मोटे मैं बता देता हूँ, जैसे पेट को साफ रखना ये बहुत ज़रूरी है। आप किसी पेट को किस तरीके से साफ कर सकते हैं, वाटर ट्रीटमेंट के अनुसार भी, अनीमा के जरूरी और कोई आयुर्वेदिक टेबलेट ले लें, जैसे कि च्यवनप्राश है, ये चीज़ें खानी चाहिए, आपको आदमी ठीक हो जाएगा। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जितना आप कोरोना से घबराएंगे उतना आप ज़्यादा बीमार रहेंगे। इसे घबराना नहीं है, इसे लड़ना है। लड़ना कैसे? हिफाजत के साथ। मैं 3 जंग की लड़ चुका हूँ। 2 जंगे मैंने लड़ी जिसमें हत्या मौत तीनों में आई। यहाँ भी मौत का खतरा है और उन लड़ाई में मौत का खतरा था। मौत के खतरे से डरना नहीं है। हम भी वहाँ नहीं डरते थे, आगे बढ़ो, तू क्या मारेगा मैं मारूंगा, ऐसे ही विचारधारा से आप आना चाहिए कि कोरोना तू मुझे क्या मारेगा मैं तुम्हें मारूंगा, वायरस तू क्या मुझे मारेगा मैं तुम्हें। वायरस, ये जो वायरस चल रहा है ये जंगे मैदान में पढ़ा है, हम किताबों में पढ़ाया जाता है, ये जंगे मैदान में भी चल सकता है। ये वन ऑफ दी वेपन ट्रिक्स है, टैक्टिक्स है जो आपको खेलने चाहिए। और ये चाइना खेल रहा है, अगेंस्ट अमेरिका खेल रहा है, जिस भी खेल रहा है, लेकिन हमारे को, हम तो आटे में गुण बन गए और पिस गए। लेकिन इसके लिए मोटे मोटे प्रिकॉशंस हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात, आयुर्वेदिक में टम्मी को साफ रखें, कुंजल करें, कुंजल से आपको आपका छाती, ये जो बल्क तरीका है ये बिल्कुल साफ रहेगा और आपका कोई छाती के ऊपर कोई विकार नहीं आएगा। फिर आप रहे कुंजल, और तीसरा है आपका जल नेत्री, इधर से रहेगा, इधर से निकाल दें सूत्री को, रबड़ को, और वो रबड़ सूत्री जो है आपके लिए बिल्कुल साफ है, आपका जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। फिर आप 9 से 10-12 गिलास पानी रोज़ पिए, इससे आपका सारा सुख और आपका पेशाब का सिस्टम भी साफ हो जाता है। और मैं आपको शराब पीने के लिए सलाह नहीं देता, लेकिन शराब कभी थोड़ा पी भी लें तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं, रोज़ नहीं। नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, सादवी खाना खाओ जो शरीर को आम तरीके से, सादवी मीन्स सिंपल, वेरी सिंपल फूड, जैसे खिचड़ी हो गई, एक दाल और चपाती हो गई, या दाल और चावल हो गए, तो ये चीज़ें आप खाएं, आपको कोई नुकसान नहीं है इसके अंदर, और आराम से रहें, ज़्यादा एक्सरसाइज करें। सबसे बड़ी, वॉक नहीं हो सकता आजकल, कोई बात नहीं, तो आप योगा करें। योगा के अंदर बस भस्त्रिका, कपाल भाति एंड अनुलोम विलोम ये जरूर करें। अनुलोम विलोम भस्त्रिका जो है शरीर को बहुत अच्छा ताकत से आपके ब्रीदिंग सिस्टम को साफ कर देता है। इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? इम्यूनिटी सिस्टम ही मैं बता रहा हूँ, ये सारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत देता है जो मैं कह रहा हूँ आपको। कुछ इम्यूनिटी सिस्टम के खास तौर जाना है तो हल्दी का थोड़ा गर्म पानी से सुबह पानी पिए, च्यवनप्राश खाएं, नींबू लें, एक नींबू, एक आंवला, हरी मिर्ची, हरी मिर्ची के बड़े फायदे हैं। हरी मिर्ची खाने से आपको किसी किस्म का कैंसर नहीं होता है, डाइजेस्ट सिस्टम ठीक रहता है। लोग इसको कड़वा करके समझे, जो चीज़ें कड़वी हैं वो प्यारी है, जैसे करेला है, नीम है, ये चीज़ें कड़वी जरूर हैं लेकिन इनके में गुणवत्ता ज़्यादा है। आप गुणवत्ता की तरफ जाओ ना कि उनके टेस्ट की तरफ जाओ। टेस्ट तो तकलीफ खराब देता है, कोई बात नहीं, लेकिन गुणवत्ता की तरफ जरूर जाओ। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप डॉक्टर का कहना माने, जो गवर्नमेंट के डॉक्टर आपको दे रहे हैं बिल्कुल ठीक सलाह दे रहे हैं। मैं भी देख रहा हूँ टीवी में, बिल्कुल ठीक सलाह आ रही है,
जो प्राइम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। और उसको धर्म में मत लो, उसको अपने अपने तजर्बे में लो और उसको गुणवत्ता में आओ। और ये धर्म धर्म को छोड़ो, धर्मों से कुछ नहीं पड़ा। अब ये जमाती लोग, ये लोग जो तकलीफ पैदा कर रहे हैं देश के लिए, ये उनका नुकसान ज़्यादा है। चाइना, जैसे चाइना को ज़्यादा नुकसान हुआ, ऐसे ही जमातियों को नुकसान ज़्यादा है इस वक्त। गवर्नमेंट को तकलीफ तो है, लेकिन ये गलत चीज़ है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब भाई भाई हैं, हमको इकट्ठे मिलकर रहना चाहिए और हिफाजत करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर जो बोल रहा है वो हमारे हित के लिए बोल रहा है, अपने हित के लिए नहीं बोल रहा, देश के हित के लिए बोल रहा है। उसको माने, उसको उसके साथ चले तो बहुत बहुत अच्छा होगा। हम सब सुखी रहेंगे, हम सब आगे चल के वही नॉर्मल लाइफ हो जाएगी जैसे पहले थी। घर में रहें, सेफ रहें, शांति। RBM न्यूज हमेशा सच के साथ, तो देखते रहें RBM न्यूज चैनल। अगर यह चैनल आपको पसंद आए तो RBM न्यूज को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।